भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र में चर्चित दवा व्यवसायी के पुत्र रौनक केडिया हत्याकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया है। दरअसल घटना 7 अगस्त 2024 की रात की है, जब काजवलीचक निवासी बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटनास्थल से 5 गोलियां और 1 प्लेट बरामद भी की थी और बलराम केडिया के आवेदन पर ततारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं पुलिस ने घटना के बाद से लगातार छापेमारी की और अंततः अमित कुमार सिंह, अजीत कुमार और आलोक राज को गिरफ्तार कर लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि हत्या की वजह पैसे के लेन देन का विवाद था। वहीं अमित सिंह के पिता ने बलराम केडिया को 8 लाख रुपये दिए थे, लेकिन जब अमित सिंह ने पैसे वापस मांगे तो बलराम केडिया ने टाल मटोल किया और गाली गलौज की, जिससे आक्रोशित होकर अमित सिंह ने रौनक केडिया की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर 10 दिनों के भीतर इस मामले का खुलासा कर दिया है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल और बुलेट बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं सत्याकांड का सफल उद्भेदन करने वाले पुलिस कर्मियों को पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा 50,000 रुपये नगद राशि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना का उद्भेदन किया गया और इस पूरी घटना में शामिल जितने भी लोग थे उसकी गिरफ्तारी की गई और घटना कारित करने में जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, हथियार का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ों की जब्ती पुलिस ने विधिवत तरीके से की है। घटना 7-8 की रात्रि की है, जिसमें कि रौनक केडिया जो 20-22 साल के एक नौजवान थे, जिनकी हत्या ततारपुर थाने अंतर्गत जो आत्माराम मेडिकल कॉलेज मेडिकल स्टोर है उसके बगल में गली जाती है शनि मंदिर की तरफ, और शनि मंदिर के आगे ही लगभग 6 गोलियां मार के उनकी हत्या की गई थी। और उस घटना के उद्भेदन, अपराधियों की पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी श्री राज की निगरानी में सिटी डीएसपी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम बनी और उस इनके अंडर की 10 टीमें पिछले 10 दिनों से लगातार 24 घंटे लगातार इस पर काम कर रही थी। और इसमें कुल 18 हमारे पदाधिकारी इस पूरी टीम में शामिल थे, जिसमें कि डीएसपी प्रोबेशनर जो कि वर्तमान में थाना अध्यक्ष ततारपुर के रूप में काम कर रही हैं रीता, और इंस्पेक्टर अनिल कुमार साव, इंस्पेक्टर रंजीत, इंस्पेक्टर धनंजय, सब इंस्पेक्टर अरुण, इंस्पेक्टर विवेक जायसवाल और इंस्पेक्टर मुरलीधर साह, इंस्पेक्टर अभय शंकर, सब इंस्पेक्टर रवि शंकर, सब इंस्पेक्टर शकील, सब इंस्पेक्टर नईम, सब इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर अजीत, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर, सब इंस्पेक्टर प्रभात कुमार, सब इंस्पेक्टर सुशील राज, सब इंस्पेक्टर एजाज, सब इंस्पेक्टर चंदन और हमारे DIO के बच्चन, अभिमन्यु, रजनीश, प्रकाश, ये हमारे DIO की एक टीम थी जो लगातार इन सभी टीमों से संबद्ध थी और काम कर रही थी। इस पूरे उद्भेदन के जो यात्रा रही, इसमें हम लोगों ने करीब 50 के करीब CCTV कैमरे को खंगाला, 500 से ज़्यादा घंटों के CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया, जिससे कि ये अपराधियों की सटीक पहचान हुई और उसके माध्यम से हम लोग साजिशकर्ता तक पहुँचे और उसके बाद ये पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया। लगभग 400 नंबरों को के जो आंकड़े थे उनका विश्लेषण हमारी टीम के द्वारा किया गया, जिससे कि हम लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे हम लोग इस पूरे केस को खोलने में मदद मिली। और इस पूरे टीम के द्वारा पिछले 10 दिनों में 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे छापेमारी की गई और उसके बाद पिछले 24 घंटा में ये फाइनली जो है हमारी टीम के द्वारा सफलता अर्जित की गई। और इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे और जिस चीज़ों का प्रयोग किया गया था उन सभी की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई और लगभग इस पूरे उद्भेदन में 25 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई है और उसमें ऐसे भी लोगों से पूछताछ हुई है जिनके बहुत लंबे लंबे आपराधिक इतिहास भी रहे हैं और उससे भी हम लोग को बहुत सारी मानवीय सूचना मिली, जिससे हम लोग इस केस को उद्भेदन में हम लोग को मदद मिली। इस तरीके से भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है
अमित मंडल और दिलखुश उर्फ अजय आलोक और अजीत। और अमित मंडल जो है प्रतापपुर का ही रहने वाला है और दिलखुश गुआर टोली का रहने वाले दुक्सर थाना अंतर्गत, और जो अजीत है वो तो हरिहरपुर एक गांव है जो कजरेली थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां से गिरफ्तार हुए। और जो तीसरा अजीत कुमार, इसी के पास से जो हथियार था उसकी भी बरामदगी अमित के निशानदेही पे की गई। और इस पूरे घटना का जो मोटिव जो हम लोग के पूछताछ में सामने आया, ये पैसे के लेन देन का विवाद था। इसके साथ ही साथ जो मृतक के पिता हैं इनसे और अमित मंडल से काफ़ी हॉट टॉक हुआ है और इसका ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है, जिसमें काफ़ी गाली गलौज की गई है, और ये ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है। और इस पूरे हत्या का जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो घटना से लगभग 20 दिन पूर्व अमित मंडल के द्वारा जो दिलखुश है उसको दिया गया था, और अमित मंडल के द्वारा ही हथियार भी उपलब्ध कराया गया था। कुल 2 लाख रुपए में बात तय हुई थी, और जो एक अपराधी है उसकी बहन की शादी में भी अमित मंडल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें भी मदद करेगा। और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग के पास उपलब्ध है, और घटना करके ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज भागे, उसके बाद वहाँ से झारखंड में पनाह लिए हुए थे। लेकिन हम लोग की टीम ने कड़ी मेहनत से, लगातार 10 दिनों की मेहनत से जो तीनों अपराधी थे उनको खोज निकाला, उनको गिरफ्तार किया, और जितने सारे चीज़ें प्रयुक्त की गई थी घटना को काबित करने में उसकी भी बरामदगी करने में सफलता पाई है। और इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय जो पूर्वी क्षेत्र के हैं उनके द्वारा ऐलान किया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज में निर्माणाधीन अगवानी पुल का पिलर नंबर 9 का सुपर स्ट्रक्चर और लोहे का एंगल गिरने से एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में नाविक बाल बाल बच गए, लेकिन शहर में हड़कंप मच गया है। लोगों में भय और आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है। दरअसल यह पुल तीसरी बार गिरा है, जिससे इसकी गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शनिवार की सुबह पुल का पाया लगभग 7 बजे सुबह गिरा, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। वहीं हादसे के दौरान नावों का परिचालन जारी था, जिससे कई कांवरियों की जान बच गई। 10-15 मिनट पहले देखे पुल गिर गया। क्या नंबर पिलर का थी? 9 नंबर पिलर है वो। लोग बोला 10 नंबर। 10 नंबर तो इधर वाला है। अच्छा, वो उस पार वाला गिर गया। उस पार वाला 9 नंबर पिलर। उसके ऊपर क्या सब था? अभी दिख रहा था उसके ऊपर मशीन सब रखा हुआ था। सीमेंट गिरा है ऊपर वाला, वो सब कट रहा था। कितना देर पहले लगभग गिरा? 15-20 मिनट पहले। अब देखे यहाँ पे नजर। देखे हरबड़ा के गिर। क्या बोले? पूरा आवाज किया, इतना आवाज किया कि पूरा लगा जैसे हवाई जहाज जा रहा है। हम बोले कि दो को गिर गया पुल, इन्हें को पुल लेके हम बोले देखे तो पूरा हरबड़ा गिर गया पुल पानी में, ऐसे सीधे बैठ गया। अभी जस्ट अभी तुरंत भाव ऐसा होता अगर ना रहता तो कहीं कहीं हादसा हो सकता था। भागलपुर के सुल्तानगंज में अजगैवी नाथ के पुरानी सीढ़ी घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। दरअसल यह दुखद घटना सुबह हुई, जब ध्वजा गली निवासी मनोज मंडल के 13 वर्षीय पुत्र अमन कुमार गंगा में डूब गया, जिसके बाद ग्रामीणों और SDRF की टीम की तत्परता से उसका शव गंगा नदी से बरामद किया गया और रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। विधायक ने इसे एक बड़ी दुखद घटना बताया और सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, एक होनहार लड़का जो 8वीं का विद्यार्थी था, कैसे गंगा किनारे पता नहीं चलता, लेकिन गाँव वाले को पता चला, उसको निकाला है। हम लोग लगे हुए कि इसका पोस्टमार्टम हो जाए, इसके हिसाब से हम लोग जो है कोशिश करें, और हम और क्या कर सकते, दिवंगत आत्मा को शांति की प्रार्थना भगवान से करते हैं, और इस परिवार को कष्ट सहने का शक्ति जो है। बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाली गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर
आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर लाजवाब है और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा एंड गो फॉर इट मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड तिलका मांझी चौक भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। अंग क्षेत्र में पौराणिक काल से चली आ रही बिलाबिसेरी पूजा की परंपरा आज भी बरकरार है। इस पूजा में मां मनसा की आराधना की जाती है जिन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की सबसे छोटी पुत्री माना जाता है। मान्यता है कि मनसा देवी का प्रादुर्भाव शिव के मस्तक से हुआ इसलिए उन्हें मनसा कहा जाता है। बिलाबिसेरी की कहानी भागलपुर के चंपानगर में चांदो सौदागर से जुड़ी है जो एक शिव भक्त व्यापारी थे। बिसेरी जिन्हें शिव की पुत्री कहा जाता है ने चांदो सौदागर पर अपनी पूजा करने का दबाव डाला लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद विसेरी ने चांदो सौदागर के परिवार को विनाश की ओर धकेल दिया। वहीं चांदो सौदागर के पुत्र बाला लखेंद्र की पत्नी बिहुला ने विसेरी से अपने पति का जीवन वापस पाने के लिए कठिन तपस्या की और स्वर्गलोक तक की यात्रा की। अंततः चांदो सौदागर ने विसेरी की पूजा स्वीकार की लेकिन बाएँ हाथ से पूजा करने की परंपरा शुरू हुई जो आज भी जारी है। वहीं भागलपुर के चंपानगर सहित जिले के कई अन्य स्थानों पर मां मनसा की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और पूजा के दौरान डलिया चढ़ाने का विशेष महत्व है। रात्रि में बाला लखेंद्र की बारात और बिहुला के साथ उनकी शादी की रस्में भी निभाई जाएंगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ड्यूटी के दौरान महिला चिकित्सक डॉक्टर ममिता के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बाद देश भर में आक्रोश व्याप्त है। वहीं इस घटना ने चिकित्सा समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। इसी को लेकर भागलपुर के डॉक्टरों में भी गहरा रोष है। होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने घोषणा की है कि डॉक्टर ममिता की हत्या के विरोध में 18 अगस्त को भागलपुर के सभी होम्योपैथिक डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। वहीं आईडीए अंग प्रदेश भागलपुर की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया जो शहर के घंटाघर चौक से निकलकर शहीद भगत सिंह चौक पहुंचा जहां डेंटल चिकित्सकों ने दोषी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर विरोध जताया। आज हम लोग इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर की तरफ से हम लोग एकजुट हुए हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। कोलकाता में जो घटना डॉक्टर के साथ अमानवीय व्यवहार हुई है इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और जहाँ पे डॉक्टर वर्क कर रही है और वहाँ पे ऐसी घटना घट जाए ये सोचने योग्य बात है। और हम कैसे सुरक्षित होंगे जब हम महिला हम डॉक्टर चिकित्सक सुरक्षित नहीं हो सकती है और वो भी जहाँ पे वो काम कर रही है तो कहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे। तो हम चाहेंगे कि कोलकाता पुलिस और बंगाल सरकार से कि जल्द से जल्द इस पर फास्ट ट्रैक के तहत इसकी सुनवाई की जाए और जो भी दोषी है उसके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।